और एक्सपेंसिव है सब कुछ। जो मैं पॉट्स लेकर के आई हूँ वो इस टाइप के सारे प्लांट्स लेकर के चली जाऊँ। वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्लॉगिंग और आज है सैटरडे और अभी बज रहा है सुबह के 8:30। तो यस, मैं थोड़ा सा अभी लेट सो करके उठी हूँ एंड आज कुछ कुछ प्लान्स हैं और हम लोग जाने वाले हैं कहीं कहीं पर। कुछ कुछ लेना है मुझे, मतलब कुछ ढूंढ रही हूँ मैं, तो लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं, मिल पाता है कि नहीं। सो एज़ यू ऑलरेडी नो दैट मैं ओजीवा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एंड दिस टाइम आई गॉट दिस ओजीवा प्लांट बेस्ड मचा प्लस। तो बेसिकली ये न्यू प्रोडक्ट है इनका एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये एग्जैक्टली क्या है। सो बेसिकली जो प्लांट बेस्ड मचा प्लस है, इट कंटेन्स 100% ऑर्गेनिक जापानीज मचा। साथ ही साथ इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है और इसके अंदर है लिकोराइस। लिकोराइस मतलब होता है यष्टि मधु। इसके अंदर 137x एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है और इसमें दिया हुआ है 1 कप मचा प्लस इज इक्वल टू 10 कप्स ऑफ ग्रीन टी प्लस 4 पोमेग्रेनेट्स प्लस 1 बाउल ऑफ बेरीज। तो आपको पता है ये पोमेग्रेनेट हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, बेरीज हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। इवन बहुत सारे लोग आजकल टी को स्किप करके ग्रीन टी पे आ चुके हैं। तो ये जितने भी हेल्दी चीजें हैं उन सब का मिला करके एक कप ऑफ मचा प्लस बनता है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो ये जो मचा प्लस है ये काम क्या करता है, ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और साथ ही साथ अनइवन स्किन टोन को हटाता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्योंकि इसके अंदर यष्टि मधु है जो कि लिकोराइस है। तो यष्टि मधु एग्जैक्टली काम क्या करता है, ये आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को हटाता है, साथ ही साथ आपके जो डार्क स्पॉट्स है उनको फेड अवे करता है। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है जो कि आपकी स्किन की डेड स्किन को हटाता है एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट्स है जैसे कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके स्टैमिना को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, साथ ही साथ मेंटल फोकस को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपका मेंटल फिजिकल बॉडी तो ठीक हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी स्किन भी बहुत ठीक हो रही है और ये अंदर से जा करके काम कर रहा है, आपको ऊपर ऊपर से लगाना नहीं है। सो डेफिनेटली मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। वीट ग्रास जूस की तरह टेस्ट कर रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं वीट ग्रास ले रही हूँ। आपको ये परचेस करना है सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये फिनिश करने के बाद आई टेक शावर और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन आज मैं जा रही हूँ, सॉरी बहुत तेज धूप है, मेरी आंखों पे आ रही है एकदम। तो आज मैं जा रही हूँ मलाड में, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लेना है होम टाउन से और थाने में कोई होम टाउन नहीं है। पहले जस्ट मेरे घर के बगल में था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल बगल में, घर की कॉलोनी के निकलते से ही होम टाउन था मेरे घर के, बट वो शट डाउन हो चुका है। मेरे घर से भी काफ़ी दूर है, 11 किलोमीटर्स दूर है, तो भी हम वहाँ जाएंगे। वहाँ अगर मुझे नहीं मिलेगा देन फिर हम मलाड वाले में जाएंगे एंड फिर हमको जाना है अंधेरी। तो क्या क्या लेना है, क्या लेने के लिए जा रही हूँ, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी, नहीं मिलेगा तो पोपट हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या ढूंढने के लिए गई थी। मैं भोपाल वाले होम टाउन में भी गई थी देखने के लिए बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, पीस जो था वो डैमेज था तो मुझे वहाँ पर मिला नहीं। सो मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ और ये बैठा है विक्की। और हमारी साइड वाली जो लेन है ना, जो मतलब हम जब वहाँ से आएंगे, अभी तो हम बहुत क्लियर लेन में जा रहे हैं, जब हम आने वाले हैं ना, माय गॉड, मतलब इतना खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। ट्रैफिक क्या है, खड़ी हुई है गाड़ियाँ हर जगह, मेट्रो का काम चल रहा है, मुंबई एकदम पता नहीं क्या हो रखी है। सो यस, और अभी जस्ट मैं यहाँ पर ना एक बहुत ही, जब हम पाथ से जा रहे थे, वे से जा रहे थे, तो यहाँ मुझे एक नर्सरी मिली है जिसके प्राइजेस लाइक 60 रुपीज़ का वो मुझे वो देने के लिए तैयार है।
बहुत अच्छा पॉट दे रहा है और मेरे जो थाने में जो जिस नर्सरी में मैं जाती हूँ वो एकदम मेन एरिया में है, इतने एक्सपेंसिव देता है वो, मतलब 200-300 रुपीस के छोटे छोटे पीस लिली के प्लांट लेके आई हूँ मैं और आती भी हूँ, मतलब अगर मैं वहाँ गई हूँ ना 1500 रुपए लेकर के तो मात्र उसके 3 या 4 प्लांट आते हैं, इतने एक्सपेंसिव देता है वो। और ये 60-70 रुपए दे रहा है, बहुत सस्ते दे रहा है। तो अब हम कल आएंगे दिन में, थोड़ी सी हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो कुछ थोड़े खराब हो गए हम जब गए थे तो, और सीजनल जो प्लांट है वो तो मर गए हैं, ये बोलूँगी मैं डायरेक्टली, मतलब वो बिल्कुल ही चले गए हैं, तो उनको रिप्लेस करके वो सूखे सूखे अच्छा नहीं लगता है, तो उनको अच्छे से ठीक करके कल स्पेस बना करके फिर हम कल आएंगे लेने के लिए। और अभी जब मैं पहुँच जाती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, टिल देन बाय। जगह पे हमको जाना है वहाँ पहुंचे नहीं है, और एक काम मेरा हो गया, होम टाउन से मुझे जो लेना था वो मिल गया। और बहुत ही वियर्ड सा मॉल था जिस मॉल में अभी हम लोग गए हैं, वो मॉल ना बहुत छोटा था बट बहुत वियर्ड नहीं बोलूंगी, मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है, बट इट वॉज नाइस। उन्होंने इतने छोटे से मॉल में क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं, मतलब सारे ब्रांड्स थे उसके अंदर, ऑलमोस्ट ज़रूरत का सामान वाली चीज़ें सब थी वहाँ पर। उनके मॉल्स में ना जो शॉप्स होती उसकी डोर नहीं थे, वो डोर नहीं था, मतलब स्टोर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको चलना कहाँ है, वॉक इन वाला जगह कहाँ पर है और शॉप्स की एंट्री कहाँ पर है और शॉप्स का एग्जिट कहाँ पर है, इस तरह से उन्होंने पूरा अरेंज करके रखा था, पूरे एज ए स्ट्रीट मार्केट टाइप है ना, लावी और बैगेट के बैग्स बिछे हुए हैं एंड एवरीथिंग। तो इट वाज नाइस कंसेप्ट, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे इतना छोटे मॉल में इतना मतलब इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा था, तो इट वाज नाइस। तो वहाँ पर मुझे मिल गया, मुझे लगा था कि वहाँ पर मिल जाना चाहिए और थैंकफुली वहाँ पर मिल गया है। तो ये है मुंबई का ओल्ड फर्नीचर मार्केट जो कि है ओशिवारा जोगेश्वरी रोड पर आता है, SV रोड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आता है ये। और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पर लेन बाय लेन शॉप्स हैं काफ़ी सारी, ओल्ड भी फर्नीचर मिलता है एंड न्यू फर्नीचर भी मिलता है। और ओल्ड फर्नीचर तो मतलब मुझे इतना कोई खास लगा नहीं यहाँ पर, आगे आपको और मेरा रिव्यू पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे कैसा लगा है और क्या लगा है। तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो जो पुराने फर्नीचर्स चलते थे, मैंने इस तरह के फर्नीचर्स काफ़ी बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स के घर में देखे हैं पहले के टाइम पे, और मेरी दादी के घर में आई थिंक अभी भी इस तरह का सोफ़ा है जूट वाला। तो यू नो इस तरह के फर्नीचर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की चलती थी वो सब हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको आप पहले पूरा टूर देखिए एंड देन एंड में मैं अपना रिव्यू आपको बताऊँगी कि मुझे ये कैसा लगा है और एग्जैक्टली वर्थ है कि नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें देखो, अब सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो विक्की को फाइनली एक चीज़ यहाँ पर पसंद आई है और मैंने रिक्वेस्ट करी है कि ये लेना है मुझे, तब जाकर के लिया है, बाकी सबका अपना अपना है। बाकी मैं आपको कार में बताती हूँ बाकी की डिटेल्स, बट दिस शॉप इज़ रियली गुड, इसके अंदर है ना एंड सामान बहुत अच्छा है। और अभी जो मैंने लिया है वो पैक हो रहा है, दिखाती हूँ आपको मैं। तो
पैक हो रहा है. फाइनली हमारा काम हो चुका है. अभी हो रहा है 7:30. अब घर पहुँचते पहुँचते 8:30 और 8:45 9 तो आराम से बचेगा. तो बस यही है, यही मैंने लिया है. कुछ और कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था और मैं कैश से 2000 रुपये लेकर के आई थी. हाय गाइस, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाकर के मैं आपको एक्चुअल रिव्यू दूंगी. एक्चुअली जिसकी शादी में मैं अभी भोपाल गई थी, मेरा फ्रेंड वो मुंबई आया हुआ है, वो अभी जस्ट मिलने वाला है. तो अभी हम लोग पहले उससे मिलेंगे एंड लेट्स सी फिर क्या प्लान होता है. वो एक्चुअली निकल रहे हैं अपने घूमने उमने के लिए जाने वाले हैं, तो अभी वो मुंबई से होते हुए जा रहा है. सो अभी हम उससे मिलने वाले हैं, तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ थोड़ी देर में. ऑल दो वो बहुत कैमरा शाय है, जैसे ही मैं कैमरा खोलती हूँ मुझे चिल्लाने लगता है, बट नेवर माइंड. 2 बजे पहुँचाएगी और फिर एयरपोर्ट से आपने. जबस्वी अब बताओ शादी के बाद कैसा लग रहा है? नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमने शादी के पहले बताया, अभी शादी के बाद बताओ कैसा लग रहा है. तो तुम बताओ. नहीं बताएंगे, रख दे तू. हाय गाइस, तो एडिटिंग करते करते मुझे अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने जो फर्नीचर का मार्केट का जो रिव्यू मुझे देना था वो मैंने नहीं दिया है, मैं भूल गई हूँ. तो मैं अभी आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच कर के मुंबई का ओल्ड फर्नीचर मार्केट जा रहे हो ना कि आपको सस्ता सामान मिल जाएगा, ओल्ड है तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा, डोंट गो देयर. बिकॉज वहाँ पर इतना ओवर एक्सपेंसिव है सब कुछ, इतना ओवर एक्सपेंसिव है कि मैं आपको क्या बताऊं. एंड दूसरी चीज़, हो सकता है सी मेरा टेस्ट अलग है, हो सकता है किसी और का टेस्ट अलग हो, तो मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ. बिकॉज आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आपको शायद मेरी थिंकिंग पता होगी या पसंद होगी या मैच करते होगे, आप रिलेट कर पाते होगे, तभी आप मुझे देख रहे हो, राइट. तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वहाँ पर चीज़ें बताती हूँ. मेरी दादी का घर नरसिंहगढ़ में है, ठीक है. और मेरे टाइम मैं बचपन से जिस तरह के पुराने तरह के गेट होते थे, खिड़कियों के जो गेट होते थे ना वुड के होते थे, अच्छी मोटी मोटी वुड होती थी, शीशम सागौन इनके ही गेट होते थे पहले, तो लकड़ी टीक वुड होता था जो प्योर वुड होती है एक्चुअली में. तो वो लकड़ियों के जो गेट होते थे ना और जो विंडोज होती थी, जो टेबल्स होते थे, उन लोगों ने क्या किया है उसको निकाल करके पेंट वेंट कर दिया है एंड दे सेल इट लाइक अ यूनिक आइटम, ठीक है. और वो प्राइस भी, चलो यूनिक आइटम आप बेच रहे हो 1000-2000 भी नहीं, उनका प्राइस वो सीधे कोट करते हैं 7000-8000. एंड आई वाज लाइक, मैं और विकी इतना शॉक, विकी बता ये सड़ी सी जगह मुझे लेकर के आई हो. एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं उन सबसे शॉक थी. सेकेंड हैंड आइटम एक लैम्प है जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पर डालती हूँ, ये वाला लैम्प जो मैंने आपको वीडियो में दिया था, ये 10,000 रुपीज़ का उसने मुझे बोला, कम करते करते वो 7,000 में दे देगा. यार मैं इसको बनवा दूंगी 3-4 हज़ार में एक्चुअली में लकड़ी का. ये मतलब आई डोंट लाइक इट, मुझे वो जगह पसंद नहीं आई. यूनिक आइटम के नाम पे मुझे ये सब मैंने देखा हुआ है. और शायद अब तो खैर मेरे दादी का घर रेनोवेट हो चुका है, ये सब चीज़ें अब तो नहीं है. मेरा रिव्यू ये है कि मुझे मज़ा नहीं आया. हाँ, जो दीवार पे डेकोरेटिव आइटम्स, अब क्योंकि मैं गई थी इतना दूर इतना पेट्रोल लगा करके, तो मैं एक चीज़ लेकर के आई हूँ वहाँ से, वो मैं आपको बताऊँगी, मुझे थोड़ी बेटर लगी. विक्की बोला ले लो, मन मार के उसने बोला है ले लो चलो. वो वुड की है, वो एक्चुअली कोई फर्नीचर आइटम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा शोपीस टाइप का है, शोपीस रखने के लिए है. तो यही मेरा रिव्यू है. बहुत एक्सपेंसिव है, इतना कोई वर्थ नहीं लगा मुझे. मेरा फाइनल रिव्यू रहेगा कि इफ़ यू आर अ फैन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जैसे ब्रास का सामान आपको किसी का सेकेंड हैंड देखना है, या आपको ऐसे यूनिक उटपटांग चीज़ें पसंद आती है, यूनिक के नाम पर पता नहीं क्या ही बेच रहे हैं, तो ठीक है, मतलब सबका अपना अपना चॉइस है. इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ यू कैन गो देयर, बट पर्सनली आई डोंट फाइंड इट यू नो वेरी वर्थफुल, और कुछ यूनिक मुझे ऐसा लगा नहीं एज सच. तो बस यही है. हाय गाइस, आज है संडे और आज हम लोगों का अभी जस्ट लंच खत्म हुआ है. एंड राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारे जो प्लान्स है ना वो या तो वेदर चेंज हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन हम जब से दिवाली के बाद से वापस आए हैं वो प्लान्स आर नॉट डूइंग दैट वेल. मे बी वेदर चेंजेस का रीज़न है. जब से तुलसी जी हमारी ड्राई होना स्टार्ट हुई है वो ठीक नहीं हो रही है. सो वी डिसाइडेड कि आज हम थोड़ा अच्छे से इनको डीप उनकी पूरा वो करके खाद वगैरह डालते हैं. एंड लेट्स सी, मे बी दे नीड एक्स्ट्रा केयर राइट नाउ बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि वेदर चेंज हुआ है. सो और बहुत सारे प्लांट्स जो है ना वो ड्राइड अप भी हो चुके, तो उनको हटा रहे हैं.
एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ उनकी कंडीशन क्या है, ये सब अभी यहाँ पर बिछा करके यहीं पर कर रहे हैं. एंड तो जो नर्सरी हम लोग कल गए थे हम वहीं जाने वाले हैं बिकॉज वहाँ बहुत अफोर्डेबल था. सो डेफिनेटली मैं यहाँ वाली नर्सरी नहीं जाने वाली हूँ कि मेरे 1000 में सिर्फ दो प्लांट्स आए. सो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू देयर. वहाँ पे 60 rupees, 70 rupees, 80 rupees वॉज द चार्ज. मैक्स टू मैक्स 125, इमेजिन घने घने प्लांट्स का. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर. और पहले यहाँ देख लेते हैं जगह बनाएंगे कि क्या क्या एक्चुअली में हमको चाहिए, उसके बाद हम लेकर के आएंगे. सो या गाइज, तो हम लोगों ने जो प्लांटर्स हैं वो ले लिए हैं. एंड दिस टाइम वी बॉट आयरन प्लांटर्स, मेटल वाले प्लांटर्स हम लोगों ने लिए हैं. हम लोगों ने प्लास्टिक के नहीं लिए हैं. अब जो है वो हम रिप्लेस नहीं करेंगे फॉर श्योर, बट जो हमारे पुराने प्लांटर्स थे 4-5 वो हमने इन्हीं को दे दिया है ब्लैक ब्लैक कलर के, तो ये लोग रीयूज कर लेंगे उसको. एंड कुछ हमने रखे हुए हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, यू नीड एक्स्ट्रा प्लांटर्स बिकॉज आई एम अ प्लांट लवर, तो यू नेवर नो कब आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाए प्लांटर्स की. तो बाकी कुछ तो मैंने रखे हुए हैं, बाकी हमने यहाँ दे दिए हैं. और हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पर पीछे रखे हुए हैं, मैं आपको घर जा कर के दिखाऊंगी. और अब हम जा रहे हैं नर्सरी में. सो आई एम क्योर एट ये वाला जो नर्सरी है यहाँ पर. और लिटरली नर्सरी में आने के बाद ऐसा मन करने लगता है कि मैं सारे प्लांट्स लेकर के चली जाऊँ, इतना अच्छा लगता है मुझे. बट अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग कर नहीं सकते हैं, वो लेके जा नहीं सकते हैं. तो अभी मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स लेकर के जाऊँ एंड कौन कौन से मैं मेनटेन कर पाऊँगी. मैं ऐसे प्लांट्स लेकर के जाती हूँ जिनको मैं मेनटेन कर पाऊँ. एंड ये बहुत बड़ी है यार, यहाँ अंदर तो मैंने देखा ही था. लेट मी शो यू, कैन यू स्पॉट दिस, ये बहुत बड़ी है. Hey guys, so we are back and this is the plant situation right now. तो ज़्यादा plants लेने नहीं दिए मुझे विक्की ने. मैं मेरा मन तो हो रहा था कि मैं बहुत सारे plants ले लूँ, but विक्की ने मुझे as usual purchase नहीं करने दिए, इसलिए मैं अकेले जाना ज़्यादा prefer करती हूँ शांति से. तो जो मैं पॉट्स लेकर के आई हूँ वो इस टाइप के बहुत कॉमन से डिज़ाइन है, आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे. बट ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी रेंज में आपको इस तरह की शॉप्स में मिलेंगे. और कल जो मैं होम टाउन गई थी वहाँ से मैं अगेन इस तरह के प्लांटर्स लेकर के आई हूँ बिकॉज जो मेरा दूसरा साइड है ना वो बहुत खाली खाली लगता है, तो मैं ये वहाँ के लिए लेकर के आई हूँ. एक साइड तो काफ़ी अच्छा लगता है बट ये साइड ना बहुत ब्लैंक लगता है, तो दैट्स वाई मुझे यही वाले चाहिए थे बिकॉज ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. एंड थैंकफुली मुझे वहाँ पर मिल गए हैं. तो अभी भी होम टाउन में कुछ जगह पर स्टॉक, भोपाल में तो स्टॉक अवेलेबल नहीं था ये. इनफैक्ट जो मलाड़ वाला होम टाउन है वहाँ पे भी ये वाला स्टॉक अवेलेबल नहीं था, बट जिस होम टाउन में मैं गई थी जो मेरे घर से दहीसर वाला होम टाउन वहाँ पर ये अवेलेबल था. तो मैं तुलसी जी, और हमको इसका रीजन पता चल गया कि फूक खराब हुई थी. तो रीजन बिहाइंड दैट इज हमने ओवर वाटरिंग करी है. मेरे को नहीं पता था कि विक्की पानी दे रहा है, विक्की को नहीं पता था मैं पानी दे रही हूँ, और हम दोनों ने इतना पानी दे दिया कि वो जो मिट्टी है ना वो लिटरली सड़ गई है, गीली हो गई. इस वजह से हमारी तुलसी जी डेड हो रही थी क्योंकि अभी वेदर जो है वो ऑलरेडी काफी ठंडा हो चुका है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दो दिन में एक दिन पानी देना है और एक इंसान पानी देगा. सो वी डिसाइडेड कि कौन देने वाला है, पूछ के देंगे.
my video. I hope you like my video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel, and comment down below. And I'll see you in my next video. Till then, bye.